वेलकम टू नियादोर लाइफस्टाइल। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा शेख। मेरे साथ मौजूद हैं आरेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। जो रिएक्शन वीडियो हम आज करने जा रहे हैं वो है भोला मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर जो रिलीज हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही, और उस पर हम आज अपनी रिएक्शन वीडियो देने जा रहे हैं। ये अजय देवगन की मूवी, आप सबको पता है इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत ज़्यादा क्या इसके बारे कहते में हैं, एक्साइटमेंट बढ़ी है बहुत कि ज़्यादा। हाँ जी अजय देवगन तबू की 9th फिल्म है जो वो इकट्ठे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं निकल जाना, तुम पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है? चलो। साले, हथकड़ी खुली नहीं और शुरू हो गई रंगबाजी। हाँ, शक्ल देखकर चार्जशीट बनाने लग गई है आजकल पुलिस। शक्ल नहीं, अकड़ देख के। वर्दी पुलिस वाला पहने या पुलिस वाली, दोनों डंडे का जोर दिखाते हैं। आज फिर जीने ही मेरा फेवरेट खाना, अब तक 11 खा चुका हूं। जी का गए अश्वथा हमारे उसका भाई ने सारे नाक में दम कर दिया पूरे डिपार्टमेंट के। खुफिया तरीके से काम करते हैं सर, इसलिए पकड़े नहीं हुए आज। मजबूरियों को मौका बनाना अच्छा आता है। डराने के लिए बेटी का वास्ता तो दे दिया, अब इन देशभक्तों को बचाने के लिए क्या दोगी? कितना चाहिए? शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता। पहले कभी दिखे नहीं? दिखे होते तो तू नहीं दिखता। मैडम, आपको गोली लेगी। तो लोग की नौकरी की है, गोली तो खानी पड़ेगी। लाओ पकड़ के डायन को, करते हैं एग्जाम्पल सेट। ये जो वर्दी की हनक दिखा रहे हैं ना साले, निकालते हैं इनकी सनक। अगर रातों रात कौन सी कौफ से पैदा हो गए भाई? ये धरती बंजर होके भी बुजदिल पैदा नहीं करती है। जरूर तुम्हारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कोई उनके साथ मिला हुआ है। पगला गए क्या? शरीर के साथ साथ बुद्धि भी छोटा हो गया। अरे होश में नहीं, सब जोश में भी है। आप मेरे क्या लगते हो? अरे यहाँ थाने को चंबल बना दिया, हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं भाई। लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती है, संख्या बल और हथियारों से नहीं। जी, तो ये था भोला मूवी का ट्रेलर। बहुत अच्छा था, इसके ग्राफिक्स और इसके जो सिनेमाटोग्राफी है ये बहुत ही अच्छी थी। और ये इंडियन फर्स्ट मूवी है जो मेरे ख्याल से 3D IMAX के ऊपर रिलीज हुई भी उन्होंने है। शॉर्ट्स एक्शन वाले सारे अपने वो विजुअल डिस्प्ले उनका 3D है कि वो इसमें ट्रेलर में भी पता लग रहा था कि वो जी शॉर्ट्स 3D में ज्यादा बेहतर लगेंगे। बिल्कुल। और इसके कलर्स वगैरह देखने में मुझे ये है कि जब आप इसको सिनेमाज में देखने के लिए जाएंगे ना, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। जिस तरह की इसकी सिनेमाटोग्राफी है और इसके जो कलर्स वगैरह हैं, ग्राफिक्स हैं, और 3D फाइट्स वगैरह इसमें, फास्ट फाइट्स जो हैं, सब चीजें इसमें दिखाई हुई है। सारा एक्शन पैक्ड बिल्कुल फिल्म है, सारे स्टंट्स उन्होंने दिखाए हुए हैं इसमें। जी। अच्छा, तो मैं इसकी स्टोरी के बारे में पूछना चाहूंगी, आपको इसकी स्टोरी में क्या समझ आई है? मुझे तो वैसे स्टोरी में इसकी ये लगे है कि वो अजय देवगन ये भोला प्ले कर रहे हैं जो एक प्रिजनर हैं, और पुलिस उनमें से हेल्प मांगती है इनसे, अच्छा, वो जो इसमें पुलिस का किरदार जो अदा करी है तबू। तब वो उनको ज्यादातर ना पुलिस के ही जो है ना वो रोल्स मिलते हैं इनके जो साथ, उन्होंने पहले ही कोलैबोरेशन की थी दृश्यम और दृश्यम 2 दोनों और में, उन पर सूट भी बहुत बहुत करता है, वो बहुत रोल बड़ा अच्छा प्ले करती अच्छा है करती वो। है बिल्कुल। और अच्छा, उसमें भी ना उनकी जो उनके भी स्टंट्स इसमें काफी दिखाए गए हैं, वो जिस तरह से गाड़ी में से बाहर आके वो उधर फायरिंग वगैरह करी थी, वो स्टंट भी काफी अच्छा था। उनकी परफॉर्मेंस भी इस मूवी में बहुत अच्छी है, और अजय देवगन तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा, ही उनका एक्शन पैक सारा बहुत अच्छा है। कैरेक्टर उनका हमेशा यही प्ले करते हैं, तो बिल्कुल। उन्होंने अभी भी यही प्ले उसी तरह किया हुआ है। अच्छा, मैं इसके ना गाने में, इसके अंदर थोड़ा सा एक म्यूजिक आता है, आज फिर जीने की तमन्ना है, वो वो उसके
उसके बारे में पूछना चाहूंगी, वो आपको कैसा लगा? वो बड़ा पीछे उन्होंने बड़ा सिंक करके प्ले किया हुआ था, जो पीछे शॉट चल रही थी उसको बड़ा अच्छा मतलब वो डिस्क्राइब कर रहा था, वो म्यूजिक बिल्कुल सारा जो वो, था। और ना वो म्यूजिक इस तरह से था कि ना उसमें इतना ज्यादा साउंड था, सिर्फ उसमें एक वॉइस थी जो आपको उसकी तरफ बिल्कुल ले जाती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था बहुत अच्छा, बीच और ये दो जगह पर आया था तो ये भी ऑडियंस को और आवाम को काफी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो में, मुझे तो ये सस्पेंस बहुत बिल्ड अच्छा। करने में बिल्कुल हेल्प करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इस मूवी के अंदर एक्शंस बहुत ज्यादा हैं और इसमें फास्ट फाइट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई हुई हैं। अजय देवगन का तो एक्शन हमेशा से ही अच्छा रहा है और मुझे यकीन है कि इस मूवी में भी उनका बहुत ही पहले से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वैसे वो डायरेक्ट भी अब क्या कहते हैं एक्ट करते करते साथ वो फिल्म ये डायरेक्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इतनी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने इसका जो टीजर पहले देखा था वो बहुत अच्छा था। उसके बाद जो इन्होंने जो इनका ऑफिशियल ट्रेलर आया है, इसमें ऑडियंस को काफी ज्यादा वो वेट कर रहे थे कि भोला का जो ट्रेलर आएगा, और अब उम्मीद है कि ये जल्दी लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज होगा इसके रिलीज होने का, मूवी बड़ी का। सच अब इंटरेस्ट है अच्छा, कि एक्चुअल मूवी एक कैसी होगी। शाहरुख खान की जो मूवी अभी चल रही है पठान, अभी तक ना उस मूवी का रिकॉर्ड किसी ने भी आके ब्रेक नहीं किया, तो मुझे ये लगता है कि जब भोला रिलीज होगी तो शायद वो उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दे, पोटेंशियल क्योंकि तो है, कोई कह नहीं सकते कुछ। कह नहीं सकते क्योंकि दोनों का लेवल जो है वो एक जितना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रिएक्शन वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।